हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, केवल जरूरी सामानों की सप्लाई चालू है। ऐसे में उद्योग धंधे सब बंद हैं, जिसका अब असर दिखने लगा है। बंदी के चलते इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। पानीपत में तकरीबन 10,000 के करीब छोटे बड़े उद्योग बंद होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिससे उभरना एक बड़ी चुनौती है। पूरे मामले को लेकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ललित गोयल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर रोज लगभग 200 करोड़ का नुकसान छोटे और बड़े उद्योगों को हो रहा है। उधर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव वैभव पालीवाल ने कहा कि पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री को उभरने के लिए 1 साल लग जाएगा, लेकिन इस विकट परिस्थिति में काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमारी इंडस्ट्री को कोविड-19 के कारण बहुत भारी नुकसान हो गया है। एक तो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए बने बनाए तकरीबन 2,000 करोड़ के, और कुछ बायरों ने माल जो तैयार था कुछ ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, किसी ने मतलब पेमेंट टर्म्स आगे बढ़ा दिए, 60 से 90 दिन 120 दिन की पेमेंट मांग रहे हैं, और कुछ ने कह दिया कि भाई 3 महीने बाद जब ये अमेरिका में यूएसए में खुल जाएगा बिजनेस, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माल कब भेजना है आपने। पूरे विश्व को ही फर्क पड़ा है, और पानीपत का अगर हम बात करें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम बंद है, यहाँ से जो माइग्रेटेड वर्कर थे बाहर के वो आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। स्थिति तो भयावह है, लेकिन हमारे को इससे घबराना नहीं चाहिए कि जो आज स्थिति आई है वो भी हम लोगों ने तैयार की है, और दोबारा मेहनत करके दोबारा फिर तैयार हो जाएंगे, लेकिन नुकसान का कोई हमारा अंदाज़ा बहुत मुश्किल है।